पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों पर अत्याचार और वहां के जल संसाधनों के दोहन के विरोध में राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि पीओके में पाकिस्तान मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन कर रहा है और प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहा है। इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पीओके में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त करने की मांग की है। गौरतलब है कि जनवरी 2015 में पाकिस्तान सरकार ने चीन की सरकारी कंपनी चाइना 3 जॉर्ज कॉरपोरेशन यानी CTGC के साथ एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को विकसित करने का करार किया था। इसको साल 2021 तक पूरा किया जाना है। 1100 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट में CTGC भारी भरकम निवेश कर रही है। CTGC की ओर से पाकिस्तान में किया जा रहा ये सबसे बड़ा निवेश है। इस हाइड्रो प्रोजेक्ट से पीओके में पर्यावरण को जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा। इसके साथ साथ ही स्थानीय लोगों को एक साजिश के तहत पीओके से विस्थापित भी किया जा रहा है। शातिर पाकिस्तान पीओके में बनने वाली बिजली परियोजना में स्थानीय लोगों को नौकरी देने की बजाय पाकिस्तान के दूसरे हिस्से के लोगों को यहां लाकर बसा रहा है। इसके अलावा नीलम झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में लगे सैकड़ों स्थानीय लोगों को काम से जबरन हटा दिया गया है। पाकिस्तान ने पीओके को आर्थिक गलियारे के नाम पर पूरी तरह से चीन को सौंप रखा है, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कायर पाकिस्तान पीओके के लोगों को सेना के बल पर कुचल रहा है। बता दें कि पीओके को पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा रखा है। भारत हमेशा से ही कहता आ रहा है कि पाकिस्तान को हर हाल में पीओके को खाली करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।